चीट फंड कंपनी का जाल हरदा जिले में भी पैर पसार चुका है। लोन दिलाने का लालच देकर लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसा ही एक मामले में छापीबड़ पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर लोगों से राशि हड़पने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह वर्धमान द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस मामले का खुलासा किया है। एसपी मनीष अग्रवाल ने बताया कि वाना फाइनेंस कंपनी के नाम से कुछ लोगों द्वारा 40-40 हजार रुपए का लोन देने के नाम पर उनसे 1,990 रुपए प्रति व्यक्ति जमा कराए थे। खिरकिया तहसील के विभिन्न ग्रामों के लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों से यह राशि जमा कराई थी, जो लगभग 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। छीपाबड़ थाने में 24 जुलाई को इस मामले में धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया गया था। एसडीओपी राजेश सूलिया के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई थी। टीम ने देवास जिले के विभिन्न ग्रामों में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की। कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में उन्होंने बिट्टू उर्फ प्रभुलाल एवं केवल यादव के साथ मिलकर किराए का कमरा लेकर फाइनेंस के नाम पर लोगों से पैसा लेना कबूल किया है। और दूसरी बात यह है कि इनके साथ दो आरोपी और हैं, जो कि बताया उन्होंने, एक बिट्टू है और केवल यादव है। और ये अपना नाम, इन्होंने अपने नाम भी नहीं बताया मुझे। इन्होंने अपने उससे प्रयास किया, सर कितने किसानों को फर्जी वाड़ा किया था और कितना रुपए? हमारे पास जो रिकॉर्ड में है वो 40 किसान है और बेसिकली जो फ्रॉड किया है 1,20,000 का है। हरदा के अलावा दूसरे राज्यों और किसान किया था, 1,33,000 2,41,000 किस प्रकार का फ्रॉड करते हैं? हाँ, ये केस आसान नहीं है और कहीं कोई लिंक नहीं है, तो ये अपना ऑफिस और इन्होंने होशियारी ये करी इस ग्रुप ने, जिस मकान में रहते थे वहाँ से सारे दस्तावेज लेके चले गए। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो हम अपने साथ ले जाने कर सके, उसके आधार पर हमने जाएंगे। इस तरह से गाँव के किसानों ने 6 दिन के बाद, हाँ 6 दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे। और उनका बेसिकली फ्रॉड किया था उन्होंने नांदेड़खेड़ा में और ऑफिस था उनका खिदिया में, जो हमारे पास भीमराज लगे करा था खासतौर पर थाना है छीपाबड़, वहाँ पर दो आरोपी पकड़ाए गए हैं। एक जो आरोपी पकड़ाए हैं उन्हें, एक राहुल गुर्जर है, एक राजेश गुर्जर है। राहुल गुर्जर देवास का, देवास सेदुगांव का निवासी है और राजेश गुर्जर उन्हें सालाखेड़ी कराना का है। बेसिकली इन लोगों ने 24/6 के आसपास खिड़किया के पास एक गाँव है नादियाखेड़ा, वहाँ पर लोगों के किसानों को इकट्ठा किया और वहाँ पर अपनी एक स्कीम है वन्ना फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड ग्रुप, इस तरह के फाइनेंस हरियाणा, इस तरह के इन्होंने फर्जी एक दस्तावेज बांटे, स्कीम समझाई और कहा कि 1,950 रुपये हर महीने। गौरतलब है कि गांव के भोले भाले लोग पैसे के लालच में आकर शातिर आरोपियों के जाल में फंस जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई लाभ तो नहीं मिलता लेकिन कड़ी मेहनत से कमाई पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। हम तो यही कहेंगे कि थोड़े से पैसे के लालच में इन शातिर बदमाशों से दूर ही रहे, ताकि कोई आपकी पूंजी पर डाका नहीं डाल सके। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।